है और बाज़ लोग जो होते हैं वो जब रमज़ान खत्म होता है तो उस मौके पर कहते हैं कि भाई अफसोस हमसे कुछ न हुआ अफसोस हमको जिससे न हुआ होगा वो ठीक है जिसने न रोज़े रखे न नमाज़ पढ़ी ठीक है वो अफसोस करे बाकी जिससे जो कुछ हुआ है उसको अफसोस की ज़रूरत नहीं उससे शुक्र की ज़रूरत है हम इस मसले को ही नहीं समझ रहे रमज़ान खत्म होता है कहते हमसे कुछ नहीं हुआ हमसे कुछ ये नाशुक्री है और ये 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 सिफत शैतान है शैतान जब उतरा था तो उसने अल्लाह से ये वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को नाशुकरे बनाऊंगा इनमें से अक्सर को मैं नाशुकर बना दूंगा तो अल्लाह ताला ने फरमाया था अल्ला इबाद का बिनखलसन लेकिन तेरे मुखलिस बंदे शैतान ने यही कहा था और उस पर अल्लाह ने कहा था कि हाँ मेरे मुखलिस बंदे तेरे हाथ में नहीं आ सकते तो ये नाशुकराना सिफत जो है ना हमारी ये बहुत गलत सिफत है बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए मुझे एक लतीफ़ा याद आया हकीम अख्तर साहब रमोत ला अक्सर इस लतीफ़े को अख्तितम रमज़ान पर पेश किया करते थे और फ़रमाया करते थे कि इसी तरह रमज़ान का अख्ताम हुआ और लोग आपस में मस्जिद में बैठ कर कह रहे थे अल्लाह कुछ ना हुआ अल्लाह कुछ ना हुआ और अफ़सोस कर रहे थे खूब बातें कर रहे थे अफसोस 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 रमज़ान गुजर गया हमसे कुछ नहीं हुआ इतने में फ़रिश्ते ने जबरील अमीर ने दरवाज़ा खोला मस्जिद का और दरवाज़ा खोल कर फरमाए असलकुर वरह अल्लाह ने मुझे भेजा है आप लोगों के लिए आपका अफसोस करना अल्लाह से देखा नहीं गया तो अब एक काम करो कल ईद नहीं होगी बल्कि कल से और एक रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है यानी यकुम शवाल से फिर रोजे शुरू हो रहे हैं एक महीने के लिए ताकि तुम्हारा अफसोस दूर हो जाए तो कहने लगे नहीं भाई नहीं बस इतना काफ़ी है ये तो ज़बान पर मक्खन आ गया था इसलिए ज़बान फिसल गई थी बाकी एक महीना हमारे लिए काफ़ी है तो खामों का यह तकल्लुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है यह बिला वजह का तकल्लुफ है इस तकल्लुफ की हमें कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जितना मौला हुआ वो हमसे बन पाया इतना हमने किया है तेरे लिए बस इसी को कबूल फरमा कर बहाना बना दे हमारे लिए हकीकत यह है कि यह कोई बदला नहीं है ये जन्नत का कोई बदला नहीं है ये बहाना है बहाना बना दे अल्लाह इसको और इसके इस बहाने